ये देखो यहाँ बिल्कुल नेटवर्क जा चुके हैं भाई, मतलब एक देखो गाइस टोल पार करने में कितना डिफरेंस आ जाता है कि एक आपने टोल पार किया और आपके नेटवर्क उड़ गए। और यहाँ पे भाई वो नजारा देखो यार कितना सुंदर है, हम जाने लग रहे हैं वहाँ ऊपर भाई जो मेन टॉप है, टॉप पे चलेंगे भाई, क्या सुंदर नजारा है यार यहाँ का, देखिए भाई कितनी हाइट पे गाइस हम, अब आप कैसे बताऊंगा सामने में बर्फ के पहाड़ दिखाई देने लग रहे हैं। सो गाइस गुड मॉर्निंग हो गई है फाइनली और अभी सब लोग रेडी हो गए, आज सोचेगा यार व्लॉग ना स्टार्ट करते हैं, रेडी हो गए देखो सबके सब रेडी हो गए बैठे हुए हैं यहाँ पे आराम से और अब एक ही रूम में आके बैठ गए क्योंकि अब बारी है ब्रेकफास्ट की, ब्रेकफास्ट करके यहाँ से निकलेंगे आगे। तो आज कहाँ निकल रहे हैं, नत्था टॉप, पत्नी टॉप और नत्था टॉप में कन्फ्यूजन थी कहाँ पे कैंपिंग करें, फिर हमने थोड़ी रिसर्च करी इसके बारे में तो पता चला कि भाई जो नत्था टॉप है वो थोड़ी ज़्यादा हाइट पे है, वो 2700 कुछ मीटर की हाइट पे है। तो आज का जो कैंप लगने वाला है बेसिकली जो कैंपिंग होगी आज की नत्था टॉप होने वाली है और लंच बनाएंगे भाई वहीं पर जाके, तो ब्रेकफास्ट यहीं से करके चल रहे हैं। ब्रेकफास्ट भाई कुछ ऐसा हैवी नहीं कर रहे, ये जो स्नैक्स लेके आए थे दीदी और मम्मी दोनों बना के लेके आई थी, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई, तो ये इसमें है नमकीन मट्टी है, ये रस है और इसमें दीदी लेके आई थी खस्ता कचौड़ी, ये देखो भाई राजस्थान की फेमस खस्ता कचौड़ी, इसमें दीदी कहती है कि भाई 10 दिन तक खराब नहीं होगी, ऐसा क्या डलता है इसमें, तुम लाए भी नहीं, वो हमारा गाड़ी में रखा है देख रहे हो, मतलब गाड़ी पूरी ओवरलोड करी इसमें, ऐसा होता क्या है वैसे जो 10 दिन तक खराब नहीं होती है, देखना एक बार बहुत टेस्टी है। ये वाली कचौड़ी ना राजस्थान और मथुरा की बहुत फेमस है, मथुरा में भी वाली कचौड़ी मिलती है। अरे तो कड़ी के साथ खाई थी हमने एक बार जब जयपुर गए थे ना, वो अलग होती है, वो भी अलग होती है, प्याज कचौड़ी होती है, प्याज कचौड़ी होती है, कचौड़ी भी भेज दीजिए भाई। तो गाइस अभी चाय हमने मंगवा दिया, तो चाय आ जाइए अभी थोड़ी बहुत देर में। तो दोस्तों सबके जादू के पिटारे खुल गए भाई, ये देखो वहाँ पे रस और क्या कहते हैं इसे, राजस्थानी पेठा भाई, पेठा आपने देखा होगा पर ये अलग तरीके का पेठा है। यहाँ पे तो मैं अभी ये नमकीन वाली मिट्टी खाने लग रहा हूँ, बाकी ये देखो भाई कचौड़ी, बढ़िया कचौड़ी यहाँ पे चलने लगी। तो नाश्ता करते हैं गाइस फिर करके यहाँ से निकलते हैं आगे। तो दोस्तों नीचे तो आ गए भाई, बाकी एक बार गाड़ी का हाल देखो क्या हाल हो चुका है, और एक बार इसे भी देखो जरा भाई, गाड़ी बिल्कुल ठुसम ठुस भरी हुई है। और तुम बैठ के कैसे जाओगे, चढ़ के ऊपर, इनके ऊपर बैठना तुम भाई, इसलिए कहता हूँ ड्राइवर वाला ना जो ड्राइवर साइड बैठता हूँ हमेशा सेफ होता है भाई, अब तुम्हारा भाई अभी भी ड्राइव करेगा जम्मू तक। तो दोस्तों फाइनली हम निकल चुके हैं भाई यहाँ से पठानकोट से, और मेरे को अब सामने भाई हल्के हल्के पहाड़ दिखाई देने शुरू हो गए हैं, और भाई जब जब पहाड़ देखता हूँ यार एक मन को ऐसा सुकून मिलता है भाई, इतना तगड़ा भाई क्या बता सकता हूँ मैं आपको। बाकी अभी हम निकलने लग रहे हैं गाइस पटनी टॉप के लिए, पटनी टॉप नहीं सॉरी नत्था टॉप के लिए, पर क्या हम बीच में पटनी टॉप में रुकेंगे, क्योंकि एक ही रास्ता मेरे ख्याल से है ना उसका, रास्ता वही है, तो बीच में रुकेंगे हम पटनी टॉप पे, देखते हैं अभी सबसे डिस्कशन करेंगे उसके बाद ही आगे कुछ प्लान बनाएंगे। बिल्कुल भाई, क्योंकि देखो जब सबके साथ आप लोग चलते हो ना तो भाई तो सबकी सहमति लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और भाई सामने और हल्के हल्के पहाड़ मेरे को दिखाई देने, मतलब ऑलमोस्ट अभी जम्मू में पहुंचने वाले हैं, मतलब जम्मू अभी है थोड़ा बहुत दूर है हमें यहाँ से, ठीक है, पर ये है कि बॉर्डर पहुंचने वाले हैं उसके पंजाब और जम्मू के, और भाई काफ़ी अमेजिंग रोड मिला है अभी तक तो भाई हमें, मतलब प्रॉपर हाईवे कहीं भी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात आई नहीं रोड की, बस एक जगह आई थी जहाँ पे भाई क्या कहते हैं बंद कर रखा था रोड, आपने आपको दिखाया था हमने फार्मर प्रोटेस्ट के चक्कर में बंद कर रखा था उन्होंने रोड, बाकी भाई बढ़िया यार, पर ये है कि गाइस बहुत ज़्यादा दूर पड़ गया, मतलब अगर हम देखा जाए ना तो 600 किलोमीटर कल हमारा ड्राइव था टोटल, और 600 किलोमीटर में भाई हम मनाली की शरण में होते, पर ये देखो कि भाई 600 किलोमीटर यहाँ तक ड्राइव करके आए पर पहाड़ अभी थोड़े बहुत दिखाई देने शुरू हैं, तो एक ये थोड़ी मन में बात लगने लग गई है। पर हाँ मनाली के नज़ारे अलग है और यहाँ के नज़ारे अलग है भाई, देखो अभी तो चाहे हम जितनी लंबी भी ड्राइव कर ले पर जो आने वाले नज़ारे हैं ना गाइस, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ इतने सुंदर होने वाले हैं ना वो, जिनके भाई कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है। बाकी अभी आगे चलने लग रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच जाके वहीं बनाएंगे, तो मम्मी लंच का मेन्यू आज क्या होने वाला है, क्या खाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप सामने देख सकते हैं भाई, देखो ये पहाड़ शुरू हो चुके हैं, देखो बिल्कुल सामने आपको थोड़े थोड़े पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे, हमारी मनोज अंकल की गाड़ी पीछे, और क्या यही से जम्मू लग गया, ये देखो यहाँ पे बैरिकेडिंग सी कर रखी है, नहीं अभी नहीं लगा जम्मू,
जम्मू लगेगा लखनपुर बॉर्डर से। अच्छा लखनपुर बॉर्डर आएगा, बॉर्डर पे सारी चेकिंग वेकिंग होगी, सब करना पड़ेगा। भाई गाइस मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो भी भाई जम्मू और कश्मीर की साइड आ रहा है ना, तो आप भाई यहाँ पे आके एक पोस्टपेड सिम ले लो, क्योंकि जो प्रीपेड वाली सिम आपकी होगी ना यहाँ पे आके हो जाएगी बंद। यहाँ पे चलती है BSNL। अब BSNL की जिसकी सिम है भाई वो तो देखो उसके दोबारा नहीं आ रहे, पर ये है कि गाइस जिसके पास प्रीपेड है ना वो यहाँ पे आके उसे पोस्टपेड सिम लेनी पड़ेगी। यहाँ पर एक चीज और भी है कि आप जम्मू की प्रीपेड सिम ले लोगे तो वो भी चलेगी, वो भी जम्मू की प्रीपेड भी चलेगी। हाँ, लेकिन लेनी पड़ेगी आपको यहीं की सिम। यहीं की तो मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट ही लगेंगे है ना उसे ले सिम लेने में। हाँ चलो कोई नहीं। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं लखनपुर, और जैसे भी हमने जम्मू का टोल है जो है पार किया है, और भाई अभी हमारी चेकिंग हुई थी बीच में, मतलब एक पोस्ट लगा रही चेक पोस्ट जो होती है वो पार करती है एक गाड़ी पीछे। तो लखनपुर से हमें यहाँ से सिम लेनी है गाइस, क्योंकि अपने भाई जो नेटवर्क है भाई वो चाह चुके हैं। फोन है किसी के पास? फोन दिखाओ, दिखाओ, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये देखो थोड़ा बहुत तो दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ बिल्कुल नेटवर्क जा चुके हैं भाई। मतलब एक देखो गाइस टोल पार करने में कितना डिफरेंस आ जाता है कि एक आपने टोल पार किया और आपके नेटवर्क उड़ गए। तो भाई अब यहाँ से सिम ले लेते हैं, फिर नए सिम का क्या कहते हैं एक बार फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे वो नंबर, ताकि घर वालों को थोड़ी टेंशन ना हो कि पिछली बार से पिंडारी गए थे तो भाई कुछ अलग ही सीन हो गया था हमारे पीछे से। सो गाइस फाइनली अपनी सिम आ चुकी है, और भाई जियो की सिम ले रेडी। वैसे बेस्ट सिम कौन सी यहाँ पे? सब बढ़िया भाई, वो भी कह रहा है एयरटेल भी अच्छा चलता है। एयरटेल भी अच्छा चलता है, बढ़िया चलेगा। अच्छा बाकी गाइस यहाँ पे हमारा DPF जो है भाई वो देखो क्लोज हो चुका है, तो अब इसको रिजेन करना पड़ेगा, बेबी कर लेंगे। तो बाकी अभी सिम तो ले लिया, उसका नंबर लिखवा लिया आपने? तो चलो गाइस अभी चलते हैं, आगे का रास्ता कंटिन्यू करते हैं। भाई एक घंटा लग गया सच में सिम लेने में यहाँ पे। तो दोस्तों फाइनली हमारी पहाड़ों में एंट्री हो चुकी है, थोड़ी बहुत आप देख सकते हो इस साइड पहाड़ जमने लग रहा है हमारी लेफ्ट साइड, और अब भाई लग रहा है कि हाँ अब जाके कहीं हम पहाड़ी इलाके में एंटर हुए हैं। और यहाँ से जो ये है गाइस जो रोड से आगे वो BRO संभालता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ बढ़िया रोड मिलने वाले हैं अपने को, जैसे कि आप देख सकते हो। बाकी अभी हम बढ़ने लग रहे हैं उधमपुर की तरफ, और हमने मेन जो हाईवे था जम्मू का हाईवे वहाँ से हमने डाइवर्जन ले लिया था राइट में, तो वहाँ से निकलने के बाद हम यहाँ पे यह पहाड़ी रास्ता शुरू हो चुका है, और हम जंगली गाड़ी के पीछे चलने लगे। उधमपुर यहाँ से कितनी दूर है? ऐसे पता नहीं, दिखा नहीं रहा, मैंने देखा नहीं, पर हमने तो सीधा अपनी लोकेशन लगा रखी है नत्था टॉप के लिए। ओके नत्था टॉप के लिए डायरेक्टली अब नत्था टॉप ही चलेंगे भाई, और कोई नहीं रुकना भाई। ये तो है भाई, बाकी एक चीज़ ये देखो कि यहाँ के पहाड़ कितने ज़्यादा अलग है ना, हरियाली वाले पहाड़ है, हरियाली वाले, फिर रोड कितने खुले खुले यहाँ के पहाड़ों पे भी, और गाड़ी में आराम से मैंने 5 वगैरह लगा रखा, 60-70 चल रही है बताओ गाड़ी। और ये देखो भाई ये तो आर्मी वाला एरिया है, तो है सारा है ना सामने भाई पहाड़ आपको दिख रहे होंगे। अब यहाँ पे आगे ऐसी फील आ रही है जैसे जिम कॉर्बेट नहीं होती, जिम कॉर्बेट की जो वैलीज होती है कॉरिडोर्स होते हैं वहाँ पे टाइगर के सामने देख के भाई ऐसी लग रहा है ना किसी किसी जंगली जानवर का कॉरिडोर हो, बहुत अच्छा लग रहा है देख कर ना। बहुत ही ज्यादा सुंदर है, मन खुश हो जाता है जब हरियाली देखते ना पहाड़ों की, तो दिल खुश हो जाता है भाई साहब, भाई एक नंबर सच में। दोस्तों अपनी पहली टनल, छोटी सी टनल जरूर है पर ये टनल आ चुकी है भाई। देखो टनल मैंने भाई एक रील में देखा था, मतलब मॉनसून के टाइम की रील थी ये टनल, जैसे उसने क्रॉस करी ना भाई यहाँ पे भाई इतनी जबरदस्त बादल और ये सब वैली में थे, पर क्योंकि यार अभी थोड़ा गर्मी का टाइम है, अभी अच्छे से मॉनसून आया नहीं है पहाड़ों में, ठीक है, तो इस वजह से अभी कुछ ऐसा सीन है नहीं। बाकी भाई अभी बढ़ने लग रहे हैं, उधमपुर अभी हमारे यहाँ से मेरे ख्याल से 15 या 16 किलोमीटर कुछ दूर है। और भाई ये देखो ये कुछ नज़ारे चलने लग रहे हैं, ये पहाड़ चलने लग रहे हैं, बढ़िया रोड चलने लग रहा है, चलो आगे मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं उधमपुर, और भाई आप देख ही सकते हो सामने जो शहर है ये उधमपुर है पूरा। और भाई यहाँ पे एक चीज है कि भाई वापस हाईवे पे आ गए, और 700-750 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद भी आई कोई भी भाई टेम्परेचर में ऐसा परिवर्तन नहीं है, क्या कहना चाहोगे इस चीज पे? भाई नज़ारे अगर देख रहे हैं तो थोड़ा चलना पड़ेगा। नहीं चलना तो ठीक है, पर अगर इतना मैं उत्तराखंड या हिमाचल की साइड चल देता ना भाई मैं बर्फ ही बर्फ में बर्फ मिल जाती, ये बात तो ठीक है, पर 750 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है हमारी, और ये देखो सामने उधमपुर है भाई, कितना बड़ा शहर है उधमपुर, हर चीज का अपना मजा है भाई। बसावट देखो उधमपुर में कितनी ज्यादा है, जैसे गाइस अगर आपको याद हो जब हम मनाली गए तो जो कुल्लू शहर पड़ा था भाई साइड में बिल्कुल उस साइड उस टाइप ही है, पर वहाँ के घर और यहाँ के घरों में भाई बहुत फर्क है भाई, ये कुल्लू से भी बड़ा शहर है। तो दोस्तों अभी दोनों गाड़ियां रुकी एक बार सब्जियां लेने के लिए, और यहाँ पे भाई एक बार नजारा देखो यार कितना सुंदर है, मतलब जो कहा जाता है ना कि भाई कश्मीर सच में जन्नत है भाई, वो चीज़ अब यहाँ पे दिखने को मिल रही है। अब धीरे धीरे करके तो पता है मेरे कान भाई बंद टाइप होने लग रहे हैं, और भाई वाह यार क्या बात है। अभी हम रास्ते में गाइज ये जो जगह है पटनी टॉप नत्था टॉप, पटनी टॉप के लिए अलग रास्ता कट जाता है, अभी हम नत्था टॉप की तरफ जाने लग रहे हैं,
तो भाई क्या बात है यार। और ऊपर देखो वहाँ पे आप देख सकते हो बादल होने लग रहे हैं, तो आई होप अच्छा मौसम आगे मिल सकता है आगे। भाई एक नंबर रास्ता चलने लग रहा है अभी तो बढ़िया। सो गाइस फाइनली अब ड्राइवर साइड चेंज हो चुकी है, अब ड्राइवर पे डैडी आ गए ड्राइविंग सीट पे। तो अब भाई रास्ता तो काफी ज्यादा बढ़िया था ठीक है, और तुम्हारे भाई ने आज यार बढ़िया हाइट पर गाड़ी चलाई है अच्छी खासी ठीक है। आपको नज़ारे मैंने दिखाई दे कितनी जबरदस्त रोड थे, बाकी अभी बढ़ने लग रहे हैं। और अभी यार सब्जी हमने ली नहीं क्योंकि जो सब्जी यहाँ पे मिली थी वो ठीक है, तो हमने सोचा कि थोड़ा आगे एक जगह पड़ती है खुद से हम लोग ले लेंगे सब्जी, और उससे आगे से हमारे साथ एक और फैमिली हमें ज्वाइन करेगी तो उससे भी हम आपको मिलवाएंगे कौन है वो। बाकी भाई काफी सुंदर और प्यारे प्यारे नजारे गाइस सच में आके। गाइस फाइनली पहुंच गए भाई नत्था टॉप, और वो है वो जगह देख रहे हो आप लोग ऊपर है, और यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी भाई। काफी ज्यादा भीड़ है क्योंकि संडे, तो भाई लोकल जम्मू की जो लोग है वो यहाँ पे आते हैं। भाई क्या व्यू है यार, कोशिश करूँ कि यहाँ से सनसेट कैप्चर करूँ भाई, बहुत जबरदस्त नजारा है। तो गाइस अभी मैं और माही आए हैं और हम जाने लग रहे हैं वहाँ ऊपर भाई जो मेन टॉप है, टॉप पे चलेंगे भाई। क्या सुंदर नजारा है यार यहाँ का, देखिए भाई नीचे खाई बहुत ज्यादा सुकून। कौन से साइड और टेम्परेचर में कितना ड्रास्टिक चेंज आ गया एकदम से है ना, बिल्कुल भाई सेम बिलिंग वाली वाइब्स। भाई ऊपर चढ़ने की हिम्मत हो रही है? मैं तो चढ़ जाऊंगी तू बता। भाई मेरे पास की नहीं है यार, ये तो बहुत ज्यादा ऊपर हो जाएगा यार। नहीं वैसे ज्यादा भी नहीं है, बस यहाँ से ऊपर है भी तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक टावर लगा रखा हो दिख रहा है वो मोबाइल टावर है। तो व्यू यहाँ से देखना भाई कितना सुंदर प्यारा व्यू है यार, वाओ कश्मीर से यार कश्मीर ये कह रहा है ना। बाय द वे अभी हम कश्मीर में एंटर भी नहीं हुए, जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है भाई, बहुत सुंदर सुंदर नजारे हैं गाइस। ये देख रहे हो लोग यहाँ पे कैंपिंग वैम्पिंग कर रहे हैं, मतलब कैंपिंग क्या क्या पिकनिक टाइप करने लग रहे हैं। अभी इससे भी आगे जाने का हमारा प्लान है, यहाँ से 3-4 किलोमीटर एक जगह है क्योंकि यहाँ पे बता रही इतनी तेज हवा चलती है, टेंट वेंट लगाया ना बेटा सब कुछ उठ जाएंगे, तुम खाई नहीं पाओगे नीचे बहुत तेज। अभी कितनी तेज हवा है ना, बालों से पता ही चल रहा होगा। हाँ तो दोस्तों अब हम नत्था टॉप को छोड़ के हम आगे बढ़ने लग रहे हैं, और क्या नाम है उस गांव को रेडी, सनासर की तरफ जा रहे हैं। सनासर बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर गांव, और भाई साहब कितनी हाइट पे गाइस हम, अब आप कैसे बताऊं, सामने में बर्फ के पहाड़ दिखाई देने लग रहे हैं और वो कैमरे पे कैच नहीं होंगे। भाई ऊपर देखो मौसम देखो भाई बिगड़ता सा आ रहा है ना, ऐसा लग रही बारिश शंका है थोड़ी, कैंपिंग हो जाए तो रेन कैंपिंग भाई मजा आ जाएगा। भाई बहुत पतला रोड है और भाई अच्छा खासा है वो, और यहाँ पे गाड़ी रोकनी शायद व्यू के लिए, भाई व्यू बहुत प्यारा है यहाँ से। सो गाइस अभी फाइनली हमें एक लोकेशन मिल गई है, ग्रीन ग्रास लैंड मिल गया हमें रोड से थोड़ा नीचे उतर के, और सारी गाड़ी को हम यहाँ पे लगाने लग रहे हैं। भाई क्या प्यारा और सुंदर मौसम हो रहा है भाई यहाँ पे यार, बहुत ज़्यादा सुंदर। उस साइड वहाँ पे थोड़े बहुत हमें बर्फ के पहाड़ भी दिखाई देने लग रहे हैं, तो अभी सारी गाड़ी को ना एक बार सेटल डाउन करवाते हैं, अपनी वाली गाड़ी को हमने यहाँ पे लगा दी है, दो गाड़ियाँ और हैं। अब क्योंकि टेंट के हिसाब से देखना भाई, हमारी साइड का जो टेंट है ना वो इस साइड खुलेगा, तो ज़रा उस हिसाब से देखना, बाकी उसमें एक टेंट है इस गाड़ी में तो कार का सेटअप है ही अंदर, तो इस हिसाब से देखना भाई अपने वाले को चेयर स्टेयर साइड खुले तो इस साइड ही अपना मुँह कर लेंगे, बाकी उस साइड देखते क्या कुछ सीन। और भाई कितना सुंदर है यार सब कुछ, वाओ